So, hello everybody, welcome to the new video session of interview guidance program. तो जो पुराना ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस हमने किया था उसके अंदर दो थीम्स निकल के सामने आई थी. पहला तो है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स की बात. ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के साथ साथ जो नर्मदा मैन की खोज है या फिर नर्मदा मैन के बारे में जो चर्चा है वो जुड़ी हुई है. ठीक है, तो आपके पास ये जो डिस्कवरी है नर्मदा मैन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल इंडिया के इनहैबिटेंट्स कौन थे. ठीक है, तो ओरिजिनली इंडिया के अंदर एक इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस आया था जिसका नाम था नर्मदा मैन. नर्मदा मैन वाक्य में इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस था, कई उनको आर्किक होमो सेपियन कहते हैं. कहां कहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं और वो अंडेमान आइलैंडर्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इस इन सारी चीजों की चर्चा हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं. ठीक है, इन सारी जो भी तथ्य हैं इनकी चर्चा प्रीवियस वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हो चुकी है. और उसी के साथ जो दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरव्यू के लिए, जो कि अक्सर लोगों से सवालों में जो है वो पूछा जाता है, वो ये है कि इंडिया के अंदर माइग्रेशंस कैसे हुई है. ठीक है, इंडिया के अंदर जो आपके रेशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो माइग्रेशन से बने हैं और इंडिया के अंदर माइग्रेशंस किस तरह से हुई हैं इसका वेरवा पूछा जाता है कि इंडिया में कब माइग्रेशंस होनी स्टार्ट हुई, इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो कि होमो सेपियंस हैं वो कौन हो सकते हैं, इंडिया के अंदर कितना ईरानियन डीएनए मौजूद है, कितना इंडिया के अंदर नीग्रोइड डीएनए मौजूद है, कितना इंडिया के अंदर जो आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का रेशियल कॉम्प्लेक्स कैसा था या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, ऐसी जो सारी चीजें हैं वो इसी थीम के साथ कनेक्टेड हैं, दैट इज माइग्रेशन. तो माइग्रेशन से जो है वो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं आपसे. ठीक है, सो माइग्रेशन एंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया. अगर मैं इंडियन माइग्रेशन को समझने की कोशिश करूं तो इंडियन माइग्रेशन को इन हेडिंग्स के नीचे समझा जा सकता है. ठीक है, इंडिया में जो पॉपुलेशन बची बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है, इन टाइमलाइंस के हिसाब से बनी है. ठीक है, तो सबसे पहले द फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन सेटलर्स इन इंडिया तकरीबन 700,000 साल पहले जो है वो आपके पास कुछ ओरिजिनल सेटलर्स आने सॉरी 70,000 साल पहले जो है वो कुछ ओरिजिनल सेटलर्स जो है वो इंडिया के अंदर आए हैं, हमारे ये हाइपोथेसिस है. ये कौन थे कौन नहीं, इनकी एथनिसिटी क्या थी, इनकी एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. एंड टिल नाउ इतनी ज्यादा रिसर्च हम लोग कर चुके हैं, जो फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन सेटलर्स थे वो कहां से आए फॉर श्योर वी कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट देम. कई लोगों का मानना है कि वो टोबा इरप्शन से पहले आए थे. टोबा एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, मैंने पिछली क्लास के अंदर जब नर्मदा मैन करवा रहे थे तो उसके अंदर भी टोबा इरप्शन की बात की थी. अब वो वहां उससे पहले आया उससे बाद आया ये भी हमें ठीक से मालूम नहीं है. वो कैसे आया है, कोस्टल एरिया से होता हुआ आया है या फिर जो है वो मेनलैंड पॉपुलेशन से आया है, किस तरह से वो आया है इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है. आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल ये कहता है कि वो जो है वो शायद हो सकता है कि वो प्री टोबा सेटलमेंट हो, कि टोबा इरप्शन से वो पहले ही आ गया है, जो कि हो सकता है कि नर्मदा मैन जैसा कुछ हो. नर्मदा मैन के अंदर हमारे पास दो तरह के नर्मदा मैन मिले थे, एक थे जो कि थोड़े से लंबे थे जिनकी हम एवरेज टू टॉल हाइट कह सकते हैं, दूसरे नर्मदा मैन जो हमारे पास मिले थे वो पिग्मी हाइट वाले थे. याद हो अगर अपने आपने पिछली वीडियो देखी तो वो पिग्मी हाइट वाले जो नर्मदा मैन थे, जो शॉर्ट हाइट वाले नर्मदा मैन थे, उनकी हाइट, उनके फिजिकल फीचर्स और जो आपके पास अंडेमान आइलैंडर्स हैं उनके फिजिकल फीचर्स के अंदर बहुत कॉमनैलिटी है. तो इस शीर्षक के नीचे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे.
कि फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन सेटलर्स कौन थे। फिर उसके बाद एक और एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन सेटलर्स, ये हम मानते हैं कि दूसरे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हुई इंडिया के अंदर वो AASI की सेटलमेंट्स थी। AASI का मतलब एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, ठीक है। अब इनकी माइग्रेशन कहाँ से हुई है, कैसे ये माइग्रेट करे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी बात जो है वो हम इस हेडिंग के अंदर जो है वो इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जो जिसको हम एंशियंट द्राविडियन पॉपुलेशन कहते हैं, जो नीचे वाली पॉपुलेशन है, साउथ इंडियन पॉपुलेशन है। देन उसके बाद एक और सेटलमेंट का बहाव आता है, एक और तरह की सेटलमेंट आती है, स्टेपी सेटलमेंट, और जिसको हम प्री इंडो आर्यन वेस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री कहते हैं। दिस पर्टिकुलर एंसेस्ट्री, ये हम मानते हैं दैट इज द एंशियंट एंसेस्ट्री ऑफ द नॉर्थ इंडियंस, एंशियंट एंसेस्ट्री है नॉर्थ इंडियंस की, ठीक है। फिर इवेंचुअली यू हैव द इरप्शन और यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना ये नहीं है कि वहां पे प्री इंडो आर्यन या फिर वेस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री आई है, नहीं ऐसा नहीं है। वहां से जो लोग आए हैं उनके बारे में भी हमें ठीक से मालूम नहीं है। हो सकता है कि वो जो फर्टाइल क्रिसेंट का जो एक ईस्टर्न इलाका था, जो एक आइसोलेटेड ईरान का इलाका था, वहां से आए हों। अगेन दीज आर हाइपोथेसिस, इसके बारे में भी हमें कोई ठीक से जो है वो मालूम नहीं है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे बनी है, इसके बारे में बहुत सारी रेशियल थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। खैर अब तक ये तकरीबन तकरीबन सब्सटेंशिएट हो चुका है कि जो बलूचिस्तान के गांव थे वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन इवेंचुअली आगे जो है वो ग्रो करी है। देन उसके बाद इंडो आर्यन आते हैं, ठीक है। इंडो आर्यन कहां से आए हैं, अगेन अगर हम इनके डीएनए के बारे में बात करें, अगर हम इनके डीएनए सैंपल्स के बारे में बात करें, जो कि आजकल पीसीआर की वजह से, डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की वजह से जो हम करते हैं, ये काफी मतलब दिलचस्प चीजें होती जा रही हैं और काफी एक्यूरेट भी होती जा रही हैं। इनका जो डीएनए ट्रेल है वो साइबेरिया तक जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडो आर्यंस की हम बात करेंगे। देन पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रखी गढ़ी की पॉपुलेशन है, रखी गढ़ी के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर, देखो पाकिस्तान के अंदर एक्सकेवेशन इस मामले में फिर भी ज्यादा हुई है। इंडिया के अंदर अगर एक एक्सकेवेशन जो सरकार ने अच्छी तरह से अलाउ की है और जिसके अंदर काम हुआ है वो है रखी गढ़ी की साइट। तो रखी गढ़ी की साइट बहुत सारे आर्यन माइग्रेशंस के बारे में बात करती है और बहुत सारी द्राविडियन पॉपुलेशन नॉर्थवर्ड माइग्रेट हो रही है उसके बारे में भी बात करती है, कि ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो कि नॉर्थ, जो कि साउथ इंडिया के अंदर थी, नॉर्थ इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो वो ट्रेड के लिए या फिर कुछ और पर्पसेस के लिए वो नॉर्थ के अंदर जो है वो माइग्रेट हो रही है। और ये जो बड़ी माइग्रेशंस हैं ये दो पीरियड्स के अंदर हुई हैं, दो माइग्रेशंस हुई हैं, एक भी नहीं, दो माइग्रेशंस हुई हैं आपके पास। तो जो इंडस वैली का रेशियल कॉम्प्लेक्स था, अगेन इट वाज कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ, इट वाज मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, इट वाज मिक्सचर ऑफ बोथ। दी नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन दैट वाज इरानियन एंड स्टेपी लाइक, ठीक है, ईरानियन और वेस्टर्न यूरेशियन काइंड ऑफ पॉपुलेशन थी, और उसी के अंदर अंदर कुछ द्राविडियन पॉपुलेशन भी आके जो है वो रह रही थी। और द्राविडियन पॉपुलेशन और जो यूरेशियन पॉपुलेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ईरानियन पॉपुलेशन है, स्टेपी पॉपुलेशन है, वो आपस में जो है वो इनब्रीड भी कर रही थी। इसलिए ये कह देना कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो इस तरह से लोग आके बसते रहे हैं, ये चीज जो है वो गलत है। इंडिया के अंदर जो माइग्रेशंस हुई हैं दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स।
क्योंकि माइग्रेशन ऐसा नहीं है कि एक बार लोग आके सेटल हो जाते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। पीपल कीप ऑन माइग्रेटिंग, लोग माइग्रेट करते रहते हैं और अलग अलग बहावों के अंदर लोग माइग्रेट करते हैं, अलग अलग पीरियड्स के अंदर लोग माइग्रेट करते हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एस्ट्रेलो एशियाटिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, वो किस तरह से बने हैं, क्योंकि आदिवासीज के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं। निग्रोइड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आदिवासी के अंदर हैं। एंड देन यू हैव दी साइनो तिब्बतियन पॉपुलेशन जो कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी माइग्रेशन कैसे हुई है। ठीक है, तो अगर हम इंडियन माइग्रेशन को समझना चाहते हैं तो एक चीज हमें बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए। इंडियन माइग्रेशन को अक्सर कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं दैट इट इज लाइक दी पिज्जा बेस, कि पहले जो है वो आपके पास सॉस आ गई, फिर उसके बाद जो है वो पहले पिज्जा बेस आ गया, फिर सॉस आ गई, फिर उसके बाद जो है वो आपने उसके ऊपर चीज डाल दिया, फिर टॉपिंग्स डाल दी, एक्सेट्रा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स पिज्जा पर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा बेस ले लिया, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन सेटलर्स आए, कुछ यहाँ पे रहे और मोस्ट प्रोबेबली टोबा ब्लास्ट के अंदर पॉपुलेशन बहुत सारी एक्सटेंट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो है जो एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन पॉपुलेशन आती है, अगेन इट इज नॉट वेरी क्लियर कि वो एक बार में आए हैं या फिर बार बार में आए हैं। ठीक है, देन उसके बाद वेस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री जो है, जो हम प्री इंडो आर्यन वेस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री की बात करते हैं, अगेन वो भी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर आती गई है। ठीक है, सो इट इज नॉट कि एक बार एक तरह की पॉपुलेशन आ गई और देन चीजें खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं इंडिया के अंदर हुआ। अलग अलग बहावों के अंदर, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर जो माइग्रेशंस हैं वो होती रही हैं। चलिए इन माइग्रेशंस की बात जो है वो हम करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स के अंदर, इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर, इन्हीं जो टॉपिक्स के नीचे जो है वो फर्दर आपके पास जो है वो वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, ऑब्वियसली अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन सेटलर्स की। ठीक है, कि फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन सेटलर्स जो है वो कहाँ से आए थे, प्री टोबा थे या फिर पोस्ट टोबा थे। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो बात और हमारी जो चर्चा है वो आगे चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।